अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में कुछ दिन पहले नशे में धुत एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद अमृतसर पुलिस ने नशा करने वालों और नशा बेचने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी और पुलिस की ओर से हर जगह नाकाबंदी की जा रही है, जिसके चलते गत सुबह एक निजी चैनल पर यह खबर आई कि अमृतसर के गुरु अर्जुन देव नगर में कुछ युवक ड्रग्स पी रहे हैं। खबर फैलने के बाद अमृतसर पुलिस ने गुरु अर्जुन देव नगर में छापेमारी शुरू की और चार लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान इलाका निवासियों ने कहा कि पुलिस की छापेमारी सिर्फ एक नाटक है, पुलिस के जाने के बाद यहाँ पर फिर से नशा बिकना शुरू हो जाएगा और दोपहर तक बड़ी संख्या में युवक यहाँ आकर नशीला पदार्थ खरीदेंगे। वहीं जब इस मामले में डीसीपी मुखविंदर सिंह भुल्लर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक निजी चैनल पर इस वीडियो को देखा तो उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए इलाके में छापेमारी करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे सात मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पर अज जो टीवी चैनल देखा भी लाइव चल रहा है, उस तो असी होर ज़्यादा फोर्स इकट्ठी करके इस एरिए पहुंचे सी और इस एरिए पहला भी असी लास्ट ईयर 12 परचे से ऐतकी 24 परचे दर्ज किए हुए हैं। काफ़ी साढ़े ऑपरेशन चलते रहते हैं और अज इस तो बाद भी असी चार बंदे जिहड़े हिरासत च लए ने, जिन्हां दे कोलों कुछ समान 100 ग्राम के करीब रिकवर होया। एक बंदा असी कुछ दिन पहला ही जिहड़ा इत्थे बंदा बेचदा सीगा उहनूं सुल्तानपुर थाने दे विच परचा दर्ज है, उहदे घरों सानूं काफ़ी मात्रा च फोन मिले ने, लोग फोन जिहड़े इहनूं दे जांदे ने ते चिट्टे दा समान लैके जांदे ने, उह पहलां ही असी अरैसट कीता होया, उहते पहलां ही परचा दर्ज है। देखो साडा लास्ट ईयर नालों तकरीबन डबल रिकवरी है, डबल बंदे असी अरैसट करके जेल च भेजे आ और इस तों भी ज़्यादा सख्ती जिहड़ी है वो की जाएगी।